नेपोलियन हिल्स ने कहा था, एक बार जो आपके मन कंसीव और बिलीव कर लेता है वो उसे हासिल भी कर लेता है। उन्होंने कहा था, आप अपने भाग्य के विधाता हो और आपके आत्मा के कैप्टन हो। आप आपके अवस्था को खुद कंट्रोल कर सकते हो। आप आपके जीवन को बिल्कुल वैसा बना सकते हो जो आप चाहते हो, और ये कोई मैजिक नहीं है और ये कोई फिलोसॉफी भी नहीं है। आप में से ज्यादातर लोग इस बारे में जरूर जानते हो, और अगर नहीं जानते तो फिर उसे अटेंशन दो, क्योंकि जो भी दुनिया में महान बने हैं वो इस बारे में जरूर जानते हैं। असल में दुनिया में इंसान जो कुछ भी करते हैं वो दो बार करते हैं। पहले वो इंसान के मन में तैयार होता है और बाद में वो वास्तव में होता है। और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे भागेंगे या फिर उससे दूर भागेंगे वो तो आप ही जानते हैं। हम सब लोग बस एक गटर के अंदर पड़े हुए हैं, पर हम में से कुछ लोग स्टार की तरफ देखते रहते हैं। ऑस्कर वाइल्ड ने आखिरकार ये कहकर क्या कहना चाहे थे? आप ये सुनकर क्या सोच रहे हो, और आप इन सारे शब्दों का क्या मतलब ढूंढोगे? हम सब लोग बस एक गटर पर पड़े हुए हैं, पर हम में से कुछ लोग स्टार की तरफ देखते रहते हैं। हमारे सबके अंदर चैलेंजेस और इश्यूज है। चैलेंजेस के बिना कोई भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन यही बस असली बात है कि आप उन सारे चैलेंजेस का सामना कैसे करोगे और उसका मतलब कैसे ढूंढ पाओगे। कुछ लोग बस गटर की तरफ ही देखते रहते हैं। गटर का मतलब जीवन की दुख दर्द तकलीफें समस्याएं है। कुछ लोग बस स्टार की तरफ देखते रहते हैं। वो लोग जिंदगी में कुछ पॉजिटिव सोचते रहते हैं। लेकिन जो लोग बस स्टार्स की तरफ देखते रहते हैं वो लोग जिंदगी में कुछ पॉजिटिव सोचते रहते हैं और एक बेहतर जिंदगी की सपने देखते रहते हैं। जीवन में कुछ मैजिकल करने के लिए वो काम करते रहते हैं। आपकी जीवन बिल्कुल वैसा होगा जैसा आप उसे बनाओगे। आप क्या बस थोड़े से ही में खुश हो, या फिर बड़ा कुछ हासिल करना चाहते हो? आप छोटे से शुरुआत कर बड़ा कुछ हासिल कर सकते हो, या फिर बहुत बड़ा कुछ होने के बाद भी अपना सब कुछ खो सकते हो। इस जीवन में सब कुछ आपके पास आएगी। आप हर एक चैलेंजेस का क्या नाम दोगे और हर एक मोमेंट में क्या एक्शन लेना चाहते हो? कुछ लोग तो बस एक्सक्यूज देते हैं कि ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये हुआ है, उसने मेरे साथ ये किया है, और कभी कभी तो अपने भाग्य को भी दोष देते रहते हैं। कुछ लोग अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस फेस किया है। कुछ अलग रूप में रिएक्ट करो। हर एक दिन का शुरुआत नए से करो। हर रोज आपके लिए एक नया मौका है। आप आज एक फ्रेश स्टार्ट करो। कल क्या हुआ था उसका प्रभाव आज के कामों में मत डालो। हर रोज एक नया एक्शन लो। हर रोज एक नया स्टेप लेते रहो जो आपको आपके बड़े सपने की तरफ लेकर जाएगी। तो आज ही एक स्टेप लो। ये हो सकता है कि वो आज बहुत छोटा हो। कल और एक स्टेप लो और ऐसे अपने लक्ष्य की तरफ चलते चलो।